अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मुर्ग मुसल्लम की रेसिपी, जिसके लिए हमने 500 ग्राम चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया है। 1 टेबल स्पून नमक, 1 जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 2 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 2 स्पून दही, 1/2 लेमन जूस ऐड कर लेंगे। ऑरेंज रेड फूड कलर, अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमने चिकन को अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। अब उसे 2-3 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे, ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छे से मैरिनेट हो जाए। अब हम हमारा मुर्ग मुसल्लम का मसाला बना लेंगे, जिसके लिए हम ऐड करेंगे दही, वन टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 3 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर,
1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/4 ग्रीन चिलीज का पेस्ट ऐड कर लेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मुर्ग मसल्लम का मसाला हमने रेडी कर लिया है। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप अपने हिसाब से ग्रीन चिलीज ऐड कर सकते हैं। हमने 3 ग्रीन चिलीज को मिक्सर में ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया और उसे ऐड कर लिया। अब ये हमारा मसाला बनके तैयार है। अब हम थोड़े से कैश्यू और बादाम ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे और उसे मिक्सर में ग्राइंड करके उसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये हमने कैश्यू और बादाम का पेस्ट बना लिया। अब एक कढ़ाई में उसमें तेल ऐड कर लें। तेल को अच्छा गर्म होने दें। ये हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें चिकन के पीसेस को ऐड कर लेंगे। हमें चिकन के पीसेस को थोड़ा फ्राई कर लेंगे। ये हमारे चिकन के पीसेस को हमने फ्राई के लिए रख दिया है। ये हमारे चिकन के पीसेस फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। हमने चिकन को थोड़ा फ्राई कर लिया है। अब हम इन चिकन के पीसेस को निकाल लेंगे। ये हमने चिकन के पीसेस को निकाल लिया। अब हमने जो चिकन को फ्राई कर लिया था उस ऑयल में हम हमारा चॉप किया हुआ ऑनियन ऐड कर लेंगे। और उसे भी थोड़ा फ्राई कर लें। ये हम पैर को अच्छे से भून लेंगे। ये हमारी पैर गोल्डन फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा जो मैरिनेट किया हुआ मसाला था मुर्ग मसल्लम का, वो हम इसमें
बाद में ऐड कर लेंगे। हमने जो मुर्ग मुसल्लम के लिए मसाला बना के लिया था, उस मसाले को हम प्याज में ऐड कर लेंगे। और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा टोमेटो का जो पेस्ट हमने लिया था, उससे हम ऐड कर लेंगे। हमने 1 टोमेटो का पेस्ट मसाले में ऐड कर लिया और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा जो कैशियो और बादाम का पेस्ट, जिसे हमने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया था, उस पेस्ट को हम ऐड कर लेंगे। और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मसाला मिक्स हो चुका है। अब हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए थोड़ा फ्राई के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारा जो मसाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हमारे 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हम मसाले को, यह हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे जो चिकन के, हमने जो चिकन के पीसेस को फ्राई कर लिया था, उस चिकन के पीसेस को हम मसाले में ऐड कर लेंगे। और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लें, ताकि जो हमारा मुर्ग मसल्लम का मसाला है वो चिकन में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये हमने चिकन के पीसेस को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वन एंड हाफ टेबल स्पून नमक ऐड कर लेंगे और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे।